मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। और मेरा बैकग्राउंड मेस्ड अप है बिकॉज मैं कल ही आई हूँ और मेरा सामान, मेरे हस्बैंड का सामान अभी तक मैंने कुछ अरेंज नहीं किया। पहले मैं किचन जाऊँगी, किचन को अरेंज करूँगी क्योंकि कल रात हम लोग कुछ ग्रॉसरी करके आए थे, मुझे वो ग्रॉसरी पूरी सेट करके रखनी है रमज़ान के लिए भी। और कुछ कपड़े वगैरह हैं जो लॉन्ड्री में हैं और बहुत बहुत ज़्यादा काम है। और कुछ गिफ्ट्स के मैंने शॉट लिए हैं जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए यूके से लेकर आए हैं। प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि अभी जो है बहुत सारे स्टफ्स है, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, मुझे उनको भी सेट करना है। मेरे पीछे आप लोग बैग देख सकते हैं, ये अभी तक मैंने ओपन नहीं किए हैं। और फिर मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, सो आहिस्ता आहिस्ते करके फिर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने थोड़ा सा जल्दी का शॉट लिया है तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो गाइस, किचन में आके इतनी देर सोचने के बाद मैंने फ़ाइनल किया है कि मैं बना रही हूँ शामी कबाब। बट स्टिल मैंने ये फ़ाइनल नहीं किया कि शामी कबाब के साथ मैं और क्या बना रही हूँ। होपफुली रात तक वो भी फ़ाइनल हो जाएगा। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ शामी कबाब बनाना और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। शेफ़ रेडी हो रहे हैं। वैसे मैं अच्छा बनाती हूँ खाना, मतलब अभी तक मेरे सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, सो आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस टाइप का खाना बनाती हूँ। मेरे मामा शेफ़ हैं, मेरी सास जो हैं वो भी सुपर शेफ़ हैं, उनके स्नैक्स इतने टेस्टी होते हैं। और ऑब्वियसली जब सास और मामा ऐसी हों तो बहू तो और बेटी तो ऑफकोर्स दी ग्रेट होगी। जाती हूँ तो मेरा पहला काम होता है कि मैं सारे कर्टन्स जो है वो हटा दूँ। पूरा एक वीक मैं यहाँ पे अपने घर पे नहीं थी तो मेरा बैकयार्ड भी बहुत मैसी हो रहा है, अब उसको भी मुझे साफ करना है। मुझे बहुत कुछ करना है वैसे। गाइज मैं बाहर आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ स्टोर पे। यहाँ से जो मुझे स्टोर से लेना था वो मैंने ले लिया और ये मैं अपने घर पर आ गई हूँ।